नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के अड्डे 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। ऐलान क्या हुआ है, रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में सारा डिटेल दिया था इसका रिजल्ट को लेकर कि ये हो सकता है कि फरवरी महीने में ही इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसका एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया था जो कि मैंने आपको इससे अवगत भी कराया था। बहुत सारे छात्र वहां पर मैसेज कर रहे थे कि भैया कब आएगा इसका रिजल्ट और इसका मेंस कब होगा। फिर तो मेंस के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और 63,739 छात्र यहां पे चुने गए हैं। तो धन्यवाद है सुशासन बाबू को, करीब आए तो सही, 6 साल के बाद ही आए लेकिन आए तो सही। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं रिजल्ट को, चलते हैं इसके वेबसाइट पे लेकर। सबसे पहले आपको, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के। जैसे ही आप बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा तो थोड़ा सर्वर डाउन टाइप का दिखेगा आपको। यहां पे आपको होना है सूचना पट पे। सूचना पट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा देखिए मैं आपको यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको सारी चीजें दिखे यहाँ पे। जैसे ही आप सूचना पट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप आ जाएंगे इस पेज पे जो कि ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 14 फरवरी को ये अपडेट किया गया है। क्लिक हियर टू व्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट संख्या 06060114 जो कि आपका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था। और फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये पहला ही इंटर लेवल का निकाला गया था 2014 में और ये उसके बाद कभी नहीं निकाला गया। तो हो सकता है कि अब आगे निकले, कोशिश होगी सरकार की यहाँ पे। और जो 6 साल यहाँ पे बीत गया है जो छात्रों का, उसके लिए भी सरकार सोचे कि कम से कम 6 साल जिनका मतलब रह गया उनको एज क्राइटेरिया देकर उनके लिए भी वैकेंसी निकाले, ये मैं मानूंगा तो मतलब चाहूंगा सरकार से। तो यहाँ पे दोस्तों एक सबसे अच्छी खबर है कि इसका रिजल्ट डाउनलोड करते हैं। अगर आप लोगों से डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम पे जाएं एजुकेशन के 6 पे, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वहां पे शेयर कर दिया है तो वहां से आप इसको जाके डाउनलोड करके सारी डिटेल देख सकते हैं। अब रही बात दोस्तों यहां पे कि चेक कैसे करना है कि कितने लोगों का आया रिजल्ट, तो देखिए यहां पे ये रिजल्ट है दोस्तों आपका। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं यहां पे, ये देखिए ये पूरा रिजल्ट है। 14/2/2020 को ये पब्लिश किया गया है। 8/12/9/12 और 10/12/2018 को इसका एग्जाम तीसरी बार लिया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि छठे चरण में करीब इतने 8/12/9/12 और 10/12 छठा चरण क्यों लिखा गया है, तो 6 साल के बाद हुआ था ये परीक्षा वहां पे। ठीक है, 4 साल के बाद हुआ था और इसका परीक्षा छठा चरण में क्रमशः 8, 9 और 10 ये परीक्षा ली गई थी। तो इसके लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी, सभी 6 चरणों में ये परीक्षा हुई थी। तो 6 चरणों का ये रिजल्ट है। OMR बिस्ट आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था और इसका परिणाम एक रूपता से लाते हुए इसको कैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इक्विपरसेंटाइल इक्वेटिंग की तकनीक से इक्वेशन, देखिए इक्वेशनल ऑफ स्कोर की तकनीक अपनाई गई, तब जाके ये आपका रिजल्ट बनाया गया। यहाँ पे सरकार बोल सकती है कि हम लोगों ने कुछ रिजल्ट में बहुत धांधली हुआ था, उसको चीज को लेकर बहुत यहाँ पे हम लोग छानबीन किया तब रिजल्ट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिजल्ट को रोका ही गया था एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार प्रशासन विभाग की तरफ से इसकी देखरेख में इसका रिजल्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जो भी कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो कि अनुमानित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के क्रमांक बढ़ाते हुए क्रम में लिया गया है। तो ये 10,000 करीब वैकेंसी थी, 10,000 से कुछ ज्यादा वैकेंसी थी, ठीक है, जिसका 5 गुना यहाँ पे रिजल्ट दिया गया। तो 5 गुना रिजल्ट कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, और एक चीज बता दूं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे यहाँ पे चेक करना है, तो रोल नंबर जिनका है वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है सर्च वाला बटन, इसमें अपना रोल नंबर टाइप करेंगे क्लिक करके, ठीक है, और वहां पे आप रोल नंबर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया सपोज, तो यहाँ पे फाइंड का एक बटन आ जाएगा, ठीक है, और इस फाइंड के बटन में हम जैसे हम सपोज मान लो किसी का एक यहाँ पे रोल नंबर डालते हैं, जैसे मान लो 8/00/00141, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट शो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे नीचे अपलोड फाइंड में क्लिक करके, ठीक है, एक एक करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे रिजल्ट है, एक एक करके भी देख लीजिएगा कितने कितने रिजल्ट हुए हैं यहाँ पे आप लोगों के। और टोटल हम बात करें दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, टोटल बात करें यहाँ पे तो ये देखिए नीचे करीब 137 पेज है, तो आप लोग खुद चेक कीजिएगा एक बार यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये करीब 63,739 छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया है दोस्तों आपका
बिहार एसएससी के 12th लेवल का। अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में उनके व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया जाएगा अगर उनको चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि आयोग के द्वारा जो प्रकाशित किया गया परिणाम में किसी प्रकार का अगर टंकन त्रुटि होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी अब, और मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु तिथि का निर्धारण बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। तो इसका मेंस एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी में लग जाइए आप लोग। जितने भी देखिए बिहार एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था पहला, है ना, इसी के साथ निकाला गया था, उस परीक्षा में हम लोग शामिल हुए थे, तो वहां से हम लोग परीक्षा क्लियर भी हुआ था, मान लो हम लोग का, तो वहां से ये जो पूरा पैटर्न है हम लोग जान रहे हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी पैटर्न पर यहां भी क्वेश्चन आपके मेंस के होंगे, कुछ अलग नहीं होगा। हम लोग सब बताएंगे आपको, सारा क्लास भी करा देंगे इसका मेंस के लिए, लेकिन इसका डेट आ जाने दीजिए, है ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे इसका कब से क्लास शुरू करना है। ओके, तो ये दोस्तों एक खबर देनी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये खबर हमने आपको दे दी है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और आज की अपडेट में एक बिहार विधानसभा परिषद को लेकर भी अपडेट दिया था मैंने सुबह में, और उससे पहले एक बिहार टीचर के लिए अपडेट दिया था, तो इस वीडियो दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, और कल रात को मैंने एक अपडेट दिया था दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, चूंकि इस दोनों का नोटिफिकेशन नहीं गया था आप लोगों तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। कट ऑफ का वीडियो मैं आपको अगला बनाऊंगा, अगला कट ऑफ का वीडियो रहेगा आपका बिहार एसएससी का, है ना, जो कि 12th लेवल का रिजल्ट आ जाने दीजिए, फाइनली मार्क्स पता चल जाएगा और उसमें हम कट ऑफ भी आपको क्लियर करेंगे उससे पहले। ठीक है, और कैसे लोगों का रिजल्ट, कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, और यहाँ पे मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी साथ में वीडियो हम बनाएंगे। ओके, चलिए बाय बाय।